ओके सो इस वीडियो में देखेंगे ओरोफेरिंग्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले उसकी वॉल्स ऑफ द ओरल ओरोफेरिंग्स देख लेते हैं। अब ओरोफेरिंग्स एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है? सुपीरियरली फ्रॉम द पैलेट इन्फीरियरली टू द हायर बोन, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सुपीरियरली कौन सा होगा? पैलेट, हार्ड और सॉफ्ट दोनों, ठीक है। और इन्फीरियरली हायर बोन। अब पोस्टीरियर क्या होता है? यहाँ पे पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल होती है, ठीक है। उसके पीछे वर्टिब्रा होते हैं, प्री वर्टिब्रल फेशिया, प्री वर्टिब्रल मसल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल के पीछे एक स्पेस होती है, रेट्रो फेरिंजियल स्पेस, ठीक है। ये मैं जब स्पेसेस ऑफ फेरिंग्स करेंगे तब बताऊंगा। रेट्रो फेरिंजियल स्पेस, प्री वर्टिब्रल फेशिया और मसल्स, ठीक है। अब एंटीरियरली क्या आता है? अब एंटीरियरली ऊपर के साइड में, यहाँ पे तो ओरल कैविटी इसलिए वहाँ पे तो कुछ नहीं, ठीक है। अब लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियरली, वहाँ पे क्या होता है? बेस ऑफ टंग होती है, ठीक है। अब बेस ऑफ टंग में कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब बेस ऑफ टंग और यहाँ पे ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। एंटीरियर सर्फेस ऑफ एपिग्लोटिस ये वाला, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ टंग, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो डिप्रेशन फोसा या स्पेस जैसा है, इसको बोलते हैं वेलेक्यूला। अब इसका इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे हम जब कुछ भी खाते हैं, पिल्स लेते हैं या खाना खाते हैं, तो यहाँ पे चांसेस रहता है कि वो वहाँ पे स्टक हो जाए, ठीक है। इसलिए ये एक रिटेंशन साइट है ओरोफेरिंग्स में। अब उसके बाद लेटरली क्या प्रेजेंट होता है? लेटरली आपको बता होगा पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है? टॉन्सिलर फोसा में, टॉन्सिलर फोसा, जो एंटीरियरली, टॉन्सिलर फोसा किससे बनता है? एंटीरियरली बनता है पैलेटो ग्लॉसल आर्च से, पैलेटो ग्लॉसल आर्च से। पोस्टीरियरली बनता है पैलेटो फेरिंजियल आर्च से, ठीक है, पैलेटो फेरिंजियल आर्च से। एंटीरियर, इसको एंटीरियर पिलर बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर पिलर, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल लेटरल वॉल में प्रेजेंट होता है। पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट कहाँ पे होता है? टॉन्सिलर फोसा में। एंड वो टॉन्सिलर फोसा एंटीरियरली किससे बनता है? पैलेटोग्लोसल आर्च से, जिसको एंटीरियर पिलर बोलते हैं। पोस्टीरियरली किससे बनता है? पैलेटो फेरिंजियल आर्च से, जिसको पोस्टीरियर पिलर भी बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे ओरोफेरिंग्स के? ओरोफेरिंग्स सबसे पहले पैसेज बनता है एयर और फूड के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन और डिग्लूटेशन दोनों में हेल्प करता है। उसके बाद वॉइस में भी इसका पार्ट है, क्योंकि हम बोलते हैं तो मुंह से आवाज़ निकलती है, इसलिए वो वॉइस भी इसका फंक्शन है। फिर टेस्ट, अब टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टंग, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, ठीक है। इन सब जगह में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम टेस्ट सेंसेशन ले पाते हैं। इसके बाद इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी टॉन्सिल की वजह से आती है, ठीक है, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में। अब ओरोफेरिंग्स में कौन दो टॉन्सिल होते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल लेटरल वॉल में होता है, लिंगुअल टॉन्सिल बेस ऑफ द टंग में होता है, इसलिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहे वॉल्स ऑफ ओरोफेरिंग्स, ठीक है। सुपीरियरली यहाँ पे पैलेट होता है, आगे हार्ड पैलेट, पीछे सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। पोस्टीरियरली पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल होता है, उसके पीछे प्री वर्टिब्रल मसल्स, फेशिया और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा और अपर पार्ट ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। ये दो वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है, C2 और अपर पार्ट ऑफ C3। अब एंटीरियरली, एंटीरियर में तो ऊपर वाला पार्ट तो ओरल कैविटी होता है, इसलिए वो तो खाली होता है। अब लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर साइड, वहाँ पे क्या होता है? बेस ऑफ द टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके नीचे, अब बेस ऑफ द टंग में क्या प्रेजेंट होता है? लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब बेस ऑफ द टंग के नीचे यहाँ पे एपिग्लोटिस आता है, हाँ, ये रही बेस ऑफ द टंग, ठीक है, ये एपिग्लोटिस। अब इन दोनों के बीच में छोटी सी जो रिसेस जैसा स्पेस जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेलिक्यूला, ठीक है। यहाँ पे हम पिल्स लेते, दवाई लेते हैं या फिर खाना या फिर कुछ भी यहाँ पे फंस जाता है, इसलिए ये एक रिटेंशन साइट है ओरोफेरिंग्स में, ठीक है। तो ये अब है लेटरल वॉल। यहाँ पे सबसे आगे की साइड ये जो आर्च दिख रहा है, ये है पैलेटोग्लोसल आर्च। पैलेट से स्टार्ट होता है और टंग ग्लोसस में खत्म होता है, इसलिए पैलेटोग्लोसल आर्च। अब इसके पीछे ये जो आर्च दिख रहा है, ये होता है पैलेटो फेरिंजियल आर्च, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होता है और नीचे फेरिंग्स में एंड होता है, इसलिए पैलेटो फेरिंजियस आर्च। ये रहा यहाँ पे पैलेटो ग्लोसल आर्च, जिसको एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर कहते हैं, और पीछे पैलेटो फेरिंजियस आर्च, जिसको पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बनता है वो टॉन्सिलर फोसा होता है, जहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है। अब ये वाले जो टंग है, इसमें ये जो डॉट 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 दिख रही है, सर्कमवेलेट पैपिला, ठीक है। यहाँ से इतना आगे का पार्ट एंटीरियर 1/3, पीछे का पार्ट एंटीरियर 2/3, यहाँ पे आगे वाला और पीछे पोस्टीरियर 1/3। अब टंग के बारे में देख लेते हैं। अब ओरोफेरिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टंग, ठीक है। अब टंग में टोटल 8 मसल होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये 4 मसल है, ठीक है। जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और पैलेटोग्लॉसस, GHSP,
ये इसका नेम होने का जीनियो ग्लॉसस, हायो ग्लॉसस, स्टाइलो ग्लॉसस और पैलेटो ग्लॉसल्स। अब इसकी नर्व सप्लाई, पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेता। ये जो पार्ट, ये पूरी एक टंग है, ठीक है। अब यहाँ ये सर्कम वेलेट पेपिला है, इसके पीछे ये जो सल्कस जैसा है, इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। या जो आगे आगे डॉट डॉट जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सर्कम वेलेट पेपिला, ठीक है, सर्कम वेलेट पेपिला। अब इसके आगे वाला पार्ट है ये एंटीरियर टू थर्ड, ये पीछे वाला पार्ट है ये पोस्टीरियर वन थर्ड, और ये जो पार्ट है ये है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, पोस्टीरियर मोस्ट, ठीक है। अब इसकी नर्व सप्लाई देख, क्या देख, नर्व सप्लाई इसकी तीन टाइप की नर्व सप्लाई होती है, एक जो मसल्स को प्रोवाइड करती है या मोटर, दूसरी देखो सबसे पहली मोटर नर्व सप्लाई, दूसरी सेंसरी, तीसरी टेस्ट। अब मोटर नर्व सप्लाई मतलब मसल्स को, अब यहाँ पे ये मेन चार मसल है, अब ये तीन मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है, ये तीन मसल, तीन ये सब सारे मसल, ठीक है, टंग के सारे मसल्स को सप्लाई करती है हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व जो ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व है। अब सिर्फ एक मसल को पैलेटोग्लॉसिस को सप्लाई, पैलेटोग्लॉसिस को सप्लाई नहीं करती है, इसको कौन सप्लाई करता है, वेगस नर्व, ठीक है, जो टेंथ क्रेनियल नर्व है। सारे मसल्स को ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व, सिर्फ पैलेटोग्लॉसिस को टेंथ क्रेनियल नर्व, वेगस, ठीक है। ये तो हो गई मोटर नर्व सप्लाई। अब सेंसरी और टेस्ट नर्व सप्लाई, अब एंटीरियर टू थर्ड में सेंसरी नर्व सप्लाई, टेस्ट सप्लाई दोनों अलग अलग होते हैं, बाकी सब जगह हर जगह पे सेंसरी और टेस्ट सप्लाई दोनों सेम नर्व करती है। यहाँ पे टेस्ट सप्लाई कौन करता है, कॉर्डा टिम्पेनी, कॉर्डा टिम्पेनी जो फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है। अब सेंसरी नर्व सप्लाई कौन करता है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है, मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, मैंडिबुलर नर्व की लिंगुअल ब्रांच, ठीक है। तो एंटीरियर टू थर्ड में सेंसरी नर्व सप्लाई फिफ्थ क्रेनियल नर्व, और टेस्ट सप्लाई, टेस्ट सेंसेशन का सप्लाई सेवेंथ क्रेनियल नर्व, फाइव सेवन। अब पीछे पोस्टीरियर टू थर्ड में, पोस्टीरियर वन थर्ड में आते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, ठीक है, पूरे पोस्टीरियर सर्कमवेलेट पैपिले को, सल्कस टर्मिनालिस को, और बाकी के पोस्टीरियर वन थर्ड को नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व। और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को कौन सप्लाई करता है, वो है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो वेगस नर्व की एक ब्रांच है, वेगस नर्व, टेंथ क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसका एक निमोनिक एंटीरियर टू थर्ड, फाइव और सेवन, ठीक है, फाइव जो है वो सेंसरी नर्व सप्लाई, सेवन्थ जो है वो टेस्ट सेंसेशन। अब नाइन, अब पोस्टीरियर वन थर्ड में नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में टेंथ क्रेनियल नर्व, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो वेगस नर्व की एक ब्रांच है। तो मैं पूरा एक बार टंग फिर समझा देता हूँ। टंग में टोटल आठ मसल होते हैं, जहाँ पे चार से मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है, ये जीएसपी, जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और पैलेटोग्लॉसस। अब सारे टंग के सारे मसल्स को हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है, जो है ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। सिर्फ पैलेटोग्लॉसल को वेगस नर्व सप्लाई करती है। वेगस नर्व किससे सप्लाई करती है, थ्रू फेरिंजियल प्लेक्सिस, फेरिंजियल प्लेक्सिस, ठीक है, टेंथ क्रेनियल नर्व। उसके बाद टेस्ट और सेंसरी नर्व सप्लाई। अब एंटीरियर टू थर्ड में टेस्ट और सेंसरी नर्व सप्लाई अलग अलग होती है। सेंसरी होता है बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व, और टेस्ट होता है बाय सेवन्थ क्रेनियल नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर वन थर्ड पूरा नाइन्थ क्रेनियल नर्व, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है टेंथ क्रेनियल नर्व। फाइव फिफ्थ क्रेनियल नर्व मैंडिबुलर नर्व, सेवन्थ फेशियल नर्व, नाइन्थ ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, टेंथ वेगस नर्व, ठीक है, और ट्वेल्थ होती है वो मसल्स को सप्लाई करती है, जो है हाइपोग्लॉसस, ठीक है। तो ये है पूरी टंग, ये है एंटीरियर टू थर्ड, ये है पोस्टीरियर वन थर्ड, यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डॉट 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 है वो सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है, और ये उसके सर्कमवेलेट पेपिले के पीछे सल्कस टर्मिनालिस। अब एंटीरियर टू थर्ड में टेस्ट सेंसेशन कौन करता है, सेवन्थ क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पेनी ब्रांच, और सेंसरी नर्व सप्लाई बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जो है मैंडिबुलर नर्व। पोस्टीरियर वन थर्ड में नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफैरिंजियल। अब पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में टेंथ क्रेनियल नर्व, जो है वेगस नर्व की सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच, ठीक है। अब वो हो गया, ये है, ये हो गया अपना पैलेटोग्लॉसल आर्च, ये पीछे है पैलेटोफैरिंजियल आर्च, इन दोनों के बीच में ये है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। अब ये है वेलिकुला, ठीक है, ये है एपिग्लॉटिस, ये ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको एलिवेट करके दिखाया है। तो ये जो है डिप्रेशन जैसा, फूसा जैसा है, इसको बोलते हैं वेलिकुला, ठीक है। तो यही है पूरा ओरोफेरिंक्स में।